हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पार्ट बी स्टार्ट करेंगे अपने यूनिट 7 का। इसमें हमने पहले एग्जिम बैंक वगैरह के बारे में देख लिया था। आज हम फेमा एक्ट से शुरू करेंगे, इसके रूल्स देखेंगे, फेडा के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। तो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है, जिसको हम फेमा 1999 बोलते हैं, ये आपका 1/6/2000 से एप्लीकेबल हुआ था। ठीक है, जो आपका जो डेट है, जैसे 1999 में ये बात हुई थी, ठीक है, लेकिन जो आपका एप्लीकेबल हुआ था वो इस डेट से हुआ था, 1 जून 2000 से। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्या नीड हुआ कि आपको फेरा की जगह फेमा लाना पड़ा। ये आपको भी पता है कि पहले जो आपका रूल चलता था ना, वो आपका फेरा चलता था। ठीक है, फेरा एक्ट था आपका। अब फेरा एक्ट की जगह ऐसी क्या नीड पड़ी कि आपको फेमा एक्ट लाना पड़ा। तो उसका कारण क्या था ना कि फेरा के जो रूल्स है ना, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि फेरा के रूल्स में आपका जब जो ट्रेडिंग वगैरह करते थे उसमें एज अ क्रिमिनल लॉ ट्रीट होता था। जैसे अगर कोई चीज हो जाती है तो जो वो केसेस थे ना, वो एज अ क्रिमिनल लॉ के केसेस के तरह से डील किए जाते थे। और जो आपका क्या होता था ना, फेरा में आपके जो यूटिलाइजेशन होता था वो इस मकसद से, सारे एक्ट पर इस एक्ट के रूल्स थे कि आपके इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में हेल्प करें, कंट्री के डेवलपमेंट में होते थे, बट जो अदर कंट्रीज से बाहर से जो बिजनेस इंडिया में इस्टेब्लिश करना चाहते थे उनके लिए बहुत टफ हो जाता था कंपटीशन में ना, क्योंकि वो आपकी ओन कंट्री के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए है। ठीक है, तो जो यहाँ इंडियन कंपनीज हैं उनको तो बहुत प्रॉफिट था अगर वो जो आपके अगर कंट्रीज के रूल के हिसाब से देखा जाए, लेकिन जो बाहर से कंपनीज आती थी उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। इसी के लिए हमें जो है ना फेमा, जब हमें देखा कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, तो हमने फेमा एक्ट का जो है 1999 में लाया गया था, इसको मतलब इसको ब्रॉटअप किया गया था बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होता है फेमा में, क्या होता है ना फेमा में, आपके जो मतलब जो पेमेंट होती है या ट्रेडिंग होती है उसको एज ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, पूरी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स को इंडिया में डेवलपमेंट करने का इम्प्लीमेंटेशन करता है, डेवलपमेंट करता है, मेंटेन करता है फेमा एक्ट। इसमें फेमा एक्ट में जो रूल्स हैं वो एज अ सिविल लॉ डील किए जाते हैं। देखो ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद करना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि किसमें कैसा डील किया जाता है। नेक्स्ट हम चलिए मूव ऑन करते हैं। अब हमने देखिए आता है फेमा एक्ट के अंदर ना हम प्रोविजन्स देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फॉरेन ट्रेवल से रिलेटेड होगा आपका, फिर अदर प्रोविजंस होंगे, इंडियन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड आप कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो सबका हम थोड़ा थोड़ा प्रोविजन देखते चलेंगे, सबको समझते चलेंगे। और ये भी आपको देखिए पता होगा, अभी हम आगे जब हम पढ़ेंगे ना तो हम सारा उसमें देखेंगे कि जो आपका USD 250,000 का रहता है आपका, जो पर फाइनेंशियल ईयर आपकी लिमिट रहती है। जैसे अगर आप मान लीजिए इंडिया से बाहर विजिट कर रहे हैं या जो भी आपका रहता है ना, किसके अंडर में, LRS स्कीम के अंदर, जिसको बोलते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। ठीक है, ये किसके लिए होती है, जो हमारे इंडियन रेजिडेंट्स होते हैं ना उनके लिए होती है। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन इंडिया से बाहर जा रहा है तो वो कितना फाइनेंशियल ईयर कितना अपने साथ रेमिटेंस लेके जा सकता है, तो वो आपका जो रेमिटेंस रहता है ना वो USD 250,000 होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा के लिए फिर आपको RBI से परमिशन लेनी पड़ती है और दिखाना पड़ता है कि क्यों इतना ले जा रहे हैं। ठीक है, और ये LRS के अंदर आता है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। ठीक है, इसमें अगर आप जैसे अगर मान लीजिए एयरपोर्ट से लेके जा रहे हैं तो वो आपसे एक फॉर्म भरवाते हैं, ये उस तरीके से होता है। ये इतना डिटेल में नहीं आता, बस मैं ये इंपॉर्टेंट है तभी मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम स्टार्ट करते हैं फॉरेन ट्रेवल। फॉरेन ट्रेवल में क्या होता है, एक तो नेपाल और भूटान जो होते हैं वो आपका प्रोहिबिटेड होते हैं। ठीक है, इसमें आप उनको परमिशन नहीं होती है, नेपाल एंड भूटान को। अब फर्स्ट हमने देख लिया, अब हम सेकंड वाला देखेंगे कि जो पेमेंट होती है ना वो क्या होता है ना कि आपका जैसे मान लीजिए अगर आप चेक DD वगैरह यूज कर रहे हो तब तो ठीक है, अदरवाइज आपका जो ट्रांजेक्शन रहता है, पेमेंट रहता है, वो 50,000 को एग्जीड नहीं करनी चाहिए। कब, जब आप फॉरेन ट्रेवल कर रहे हो। ठीक है, मतलब आप अपने कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हो, तो आप अगर आप फॉरेन कंट्री एक्सचेंज के थ्रू रुपीस का पेमेंट, मतलब अगर मान लीजिए जो पेमेंट हो रही है वो रुपी में हो रही है, तो जो आपका इक्विवेलेंट है ना वो 50,000 रुपीज से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, वो चेक और DD के केस की बात नहीं हो रही है, आपके नॉर्मल अदर मेथड्स की बात हो रही है, तब आपका 50,000 की लिमिट रहती है। अब ठीक है, अगर आप बात कर रहे हो कि इंडियन रेजिडेंट है, ठीक है, अभी तो हम बात कर रहे थे कि कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर इंडियन रेजिडेंट है तो उसको कितनी परमिशन है आपके इंडियन रेजिडेंट को, USD 2000 तक, देखिए USD 2000 तक इंडियन या उसके इक्विवेलेंट परमिटेड होते हैं, जिसमें कॉइन्स की कोई भी लिमिट नहीं होती है। ठीक है,
अब हम देखिए सारे मेन मेन पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, हम ज्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो मेन मेन पॉइंट्स है वो हम इसके देख रहे हैं। और देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर मान लीजिए कोई अनस्पेंट है, ठीक है, अगर आपका जैसे मान लीजिए आपने $200 एक्सचेंज किए थे, ठीक है, अब आपका क्या हुआ, 150 हुआ डॉलर, 50 बच गया आपका, ठीक है, तो $50 जो है ये आपको 180 डेज के अंदर रिटर्न करने होते हैं, ठीक है, जो ये आपके 180 डेज होते हैं ना उसमें आपको रिटर्न करना होता है जो आपका एक्सपेंडिचर आपने किया उसके अलावा जो बच जाता है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज में। अब इसके बाद आपका क्या आता है कि मान लीजिए आप बाहर से कुछ, आप बाहर थे एनआरआई एज अ, मान लीजिए 1-2 साल के लिए बाहर गए, वहां से आपने पैसा कमाया, अब आपको उसको फॉरेन करेंसी को कैसे इंडिया में रखोगे, क्योंकि आप एनआरआई अकाउंट तभी खोल सकते हो जब आप फॉरेन में रह रहे हो। अब जब आप इंडिया शिफ्ट हो जाते हो तो आपके सारे सेविंग अकाउंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो अब वो जो पैसा है ना वो आप उसमें रख सकते हैं, आपका जो अकाउंट होता है रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, ठीक है, तो ये जो अकाउंट होता है ना RFCA है, इसमें आप वो पैसा रख सकते हो जो फॉरेन करेंसी में आप बाहर से लेके आए होते हो, ठीक है, फॉरेन करेंसी में रहता है। कौन सा, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है आपका, अगर मान लीजिए देखिए जो मैंने बात बताई थी पीछे कि अगर आप विजिट कर रहे हो, प्राइवेट विजिट है, बिजनेस के लिए है, एम्प्लॉयमेंट है कि विजिट है, तब आप 2,50,000 ये आपका रहता है USD में, ठीक है, करेंसी भी इंपॉर्टेंट होती है, जो USD है ना किस में, एक फाइनेंशियल ईयर में, मतलब पर फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, वन फाइनेंशियल ईयर में आप USD 2,50,000 तक ही केवल ले जा सकते हो, उसके बाद आपको RBI से परमिशन चाहिए होती है, ठीक है। और ये किसके अंदर में होता है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, RLRS, ठीक है, निमिया मैं लिख देती हूँ, लिबरलाइज्ड चलेंगे, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, ठीक है, तो इस स्कीम के अंडर में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, अदर रेमिटेंसेस की बात करते हैं कि और अदर कौन कौन सी रेमिटेंस होती हैं। तो आपकी होती है देखिए गिफ्ट रेमिटेंस हो सकता है, आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, डोनेशन दे रहे हो, सब्सक्रिप्शन हो रहा है, अगर मान लीजिए मैगजीन का है, कोई फॉरेन मैगजीन है उसके लिए आप रेमिटेंस कर रहे हो, ठीक है, कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, ATM कार्ड कुछ आप लग रहे हो, तो ये सब जो होते हैं ये भी एक अदर रेमिटेंसेज होते हैं जो आप फॉरेन ट्रेवल में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं प्रोविजंस। अब प्रोविजंस क्या होता है, देखिए आप अगर चलिए एक बार इसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं। गिफ्ट रेमिटेंस जो आपका होता है ना वो वही है, USD आपका 2,50,000 तक का ही रहता है फन फाइनेंशियल ईयर का, जो आप किसी भी रिलेटिव फ्रेंड्स को दे सकते हो। फिर डोनेशन जो आपका रहता है वो भी सेम अमाउंट रहता है, 2,50,000 का फन फाइनेंशियल है, जो आपको चैरिटेबल रिलीजियस किसी को भी दे सकते हो, ठीक है। मैगजीन में क्या होता है, जो मैगजीन वाला होता है जो AD के थ्रू अप्रूव्ड होते हैं, ठीक है, AD के थ्रू आप उसी को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, अगर बैंड वगैरह है तो आप नहीं यूज कर सकते, ठीक है। अब कंसल्टेंसी सर्विसेज, अब कंसल्टेंसी सर्विसेज में क्या होता है, देखिए पर प्रोजेक्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है ना आप 1 करोड़ तक का आप इसमें कर सकते हो, ठीक है, 1 करोड़ USD बात कर रहे हैं हम, 1 करोड़ USD तक का आप कर सकते हो कंसल्टेंसी सर्विसेज में, ठीक है। इसके बाद आपका जो रहता है इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, ATM कार्ड वगैरह रहता है, ये जो क्या करते हैं, जो भी जिस कंपनी में होते हैं अगर आप विजिट कर रहे हो अब्रॉड में, तो आप ये कार्ड लेते हो ताकि आप वहाँ के ATM से अपना पैसा निकाल सको, या वहाँ के जैसे मान लीजिए मेट्रो के लिए यूज करना है तो आप उन इंटरनेशनल डेबिट क्रेडिट कार्ड को वहाँ पे यूज कर सको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक था, मैंने एक बार थोड़ा सा बता दूँ। फिर प्रोविजंस आपका क्या होता है, प्रोविजंस में आपके जैसे होते हैं कि कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं जब आप फॉरेन ट्रैवल करते हो तो कौन सी चीज़ें अलाउड नहीं है, या अदर रेमिटेंसेस भी कर रहे हो, जो रेमिटेंस कर रहे हो फॉरेन ट्रेवल छोड़ दीजिए, अगर कोई अदर रेमिटेंसेस भी कर रहे हो या कोई भी रेमिटेंस है, पैसा आ रहा है चाहे जा रहा है, तो कौन कौन से ऐसे होते हैं ट्रांजेक्शन जिसमें जो मना होते हैं। देखिए पहला तो आपका होता है लॉटरी विनिंग, लॉटरी विनिंग का जो पैसा होता है उसको आप ट्रेड नहीं कर सकते, रेमिटेंस नहीं कर सकते उसका, ठीक है। वही चीज है रेसिंग एंड राइडिंग भी सेम उसमें ही आता है, ये सब क्या होते हैं ना आपके, मतलब एक तरीके समझ लीजिए गैम्बलिंग रिलेटेड जितना होता है ना,
वो सारा आपका प्रोविडेड होता है। फिर अगर आपने मान लीजिए कमीशन लिया है कुछ एक्सपोर्ट में इंट किया, इक्विटी इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट वेंचर्स वगैरह में किया, तो ये सब भी बैंड होता है। उसके में जो आपका कमीशन का पेमेंट होता है ना, वो भी बैंड होता है। तो ये कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं इनमें भी जिसके बेसिस पे अलाउड हो जाता है, पर वो सब इतना डीप पेपर में नहीं आता है, तो हम इतना डीप नहीं जाएंगे। आपका फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड पेपर नहीं है, तो जितना इम्पोर्टेंट है वही देख रहे हैं। फिर आपका कॉल बैक सर्विसेज होते हैं, ठीक है। आपने नॉन रेजिडेंट स्पेशल अकाउंट खोल रखा है, उसमें जो इंटरेस्ट आपका हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, या फिर आपका कोई भी डिविडेंड वगैरह है किसी भी कंपनी का, तो उसका पैसा आपको रेमिटेंस करने की परमिशन नहीं होती है। स्पेशल परमिशन, अगर आपको कुछ ऐसा काम करना भी, तो आपको स्पेशल परमिशन RBI से लेनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में मूव ऑन करते हैं। फिर आता है इसी में प्रोविजंस जो हम बात कर रहे थे, उसमें इंडियन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। अब इसमें क्या होता है, इंडियन इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड में, देखिए नाम से सारा क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप बात कर रहे हो कि 1973 की, देखिए मैंने यहाँ लिखा है फ्रॉम फेरा 1973, जब इंडिया ने 1999 में मूव ऑन किया था, तो उसमें क्या हुआ था कि आपका जो एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट है उसको फैसिलिटेट किया गया था। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही हमने देखो ये बात की थी कि फेरा जो है इकोनॉमिकल आपका पूरा होल कंट्री की डेवलपमेंट की बात कर रहा है, और ये एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट को फैसिलिटेट करता है, उसको मेंटेन करने की बात कर रहा है फेमा, ठीक है। मतलब ये बढ़ावा दे रहा है एक तरीके से। तो आपका फेमा में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे मतलब एक नोटिफिकेशन आया था जिसके थ्रू क्या होता है, ट्रांसफर या इश्यू कर सकते हैं फॉरेन सिक्योरिटी में। मतलब आप जो जो अमाउंट है आपके पास, जो पैसा है, उसको एज अ फॉरेन सिक्योरिटी में भी आप कर सकते हो, जिसमें आप अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है ना। अगर आप फॉरेन सिक्योरिटी को खरीद रहे हो, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि आप फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। उसके बाद कौन कौन से ऐसी इन्वेस्टमेंट होती हैं, देखिए जो प्रोविटेड होती हैं, जिसको अलाउड नहीं किया जा सकता। देखिए हम इसमें हमने लिखा भी है, एक तो आपका रियल इस्टेट हो गया बैंकिंग, फिर आपका इंडियन कॉशन लिस्टेड हो गया। मान लीजिए कोई इंडियन कॉशन लिस्ट में है, तो उसको परमिशन नहीं होती इन्वेस्टमेंट करने की। इन्वेस्टमेंट अगर आप ट्रस्ट में करना चाहते हो, ठीक है। फिर आपका इंडियन जो है ना, वो अब्रॉड में भी हमने देखिए तो प्रोविडेड होता है ज्वाइंट वेंचर, मतलब बात की थी कि बहुत सी चीज़ों में प्रोविडेड होता है। तो कुछ वेज हैं जिसमें इंडियंस जो है ना, वो अब्रॉड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो ज्वाइंट वेंचर्स, और दूसरा होता है होली ओन आपका सब्सिडरी होता है, ठीक है। ये जो चीज़ें होती है ना, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए कमीशन की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो प्रोविडेड होता है, लेकिन अगर आप उसमें इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हो अब्रॉड में, किसमें ज्वाइंट वेंचर्स एंड होल्डरी ओन्ड सब्सिडरीज हैं, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अब्रॉड में, ठीक है। इसके बाद आपके एलिजिबल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, मान लीजिए आपका इंडियन इन्वेस्टमेंट में अगर हम बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको एलिजिबल है इनमें करने के लिए। एक तो पहले जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होती है या फिर कॉर्पोरेट अकाउंट्स होते हैं, तो वो एलिजिबल है। इंडिविजुअल्स एंड एलिजिबल, इंडिविजुअल्स मीन्स रिटेल की बात करें आप और मैं, ठीक है। इसके बाद म्यूचुअल फंड्स के, जो म्यूचुअल फंड्स के हैं उन, वो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स होते हैं। अगर कोई फर्म में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं। आप ओवरसीज कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो भी आपका क्या होता है ना, इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब आपके बाद मेथड ऑफ फंडिंग, अब फंड्स कैसे लाओगे ना, अब आपकी बात हो गई, ठीक है। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको फंड्स की जरूरत पड़ती है, तो आप क्या करते हो, जो अपने EFC अकाउंट में बैलेंस हेल्ड कर रखा है उसको यूज कर सकते हो, कैपिटलाइजेशन कर सकते हो एक्सपोर्ट्स का, ठीक है। स्वैप कर सकते हो शेयर्स, और जो ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी और ये सब होता है ना, इन GDRs वगैरह, इसमें आप फॉरेन करेंसी, इनको बिना इधर लाए फॉरेन करेंसी इंडिया में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें आपको फेमा में अच्छे से समझ के और ब्रॉड वे में दी गई है, ठीक है। इसके बाद हमारा ऑब्लिगेशंस आते हैं कि हमारे क्या क्या ऑब्लिगेशंस है। एक तो रोल ऑफ ADs क्या है, जो आपके ऑथराइज डीलर्स हैं उनका रोल क्या है। फिर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपको मिलता है उसको देखना होता है हमें, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका क्या होता है, देखिए फॉर्म एक ODI बनता है, ठीक है। एक फॉर्म ODI होता है जिसको RBI ने किया था कि कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है ओवरसीज में, तो उसको JVWOS, ठीक है, क्या बोलते हैं अपन, JVWOS, उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले इंडियन एंटिटीज को एक फॉर्म फिल करना होता है जिसको ODI फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। कौन सा फॉर्म बोलते हैं, आपका ODI फॉर्म, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट आपका क्या होता है, इंडियन पार्टी की डिटेल्स कंटेन करता है। सेकंड, आपका जो रेमिटेंस आप कर रहे हो उससे रिलेटेड डिटेल्स कंटेन करता है। थर्ड, आपका एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट्स को कंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो फोर्थ एंड लास्ट पार्ट आता है, उसमें ये रिपोर्ट जो होता है ना, वो क्लोजर डिस इन्वेस्टमेंट या वाइंडिंग अप कर रहा है JVWS, तो उसके लिए होता है, ठीक है। मतलब फिनिशिंग करने के लिए होता है।
अब उसके बाद आपका आता है हमारा फॉरेन करेंसी अकाउंट्स इन इंडिया। ठीक है, अपने इंडिया में कौन कौन से फॉरेन करेंसी अकाउंट्स होते हैं। एक तो हमारा होता है एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी ईएफसी अकाउंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपके कौन कौन लोग हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम जो समझेंगे ना वो हम समझेंगे हु। तो हु में आपका आता है कि रेजिडेंट पर्सन हो सकते हैं, कंपनीज हो सकती हैं, फर्म्स हो सकते हैं जिनने ईएफसी अकाउंट मेंटेन कर रखा होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो आता है वो ये आता है कि जो कितना अलाउड होता है, 100% अलाउड होता है। ठीक है, मतलब आपने जो फॉरेन एक्सचेंज उनको दिया लाकर उसका 100% ये आपको वापस करेंगे। ये इंटरेस्ट बेयरिंग करंट अकाउंट नहीं होता है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, और विड्रॉल करने में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं किसमें, ईएफसीज में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रेजिडेंट फॉरेन करेंसी आरएफएक्सी अकाउंट। इसमें क्या होता है, जो मैंने बताया था, देखिए अभी हमने पीछे भी इसके बारे में पढ़ा था कि जो एनआरआईज होते हैं जो इंडिया वापस आ जाते हैं उनके लिए अकाउंट होता है, जिसमें वो अपना फॉरेन एसेट्स रखते हैं क्योंकि उन्हें जाना नहीं होता, तो वो ये अकाउंट खोल के उसमें अपने एसेट्स रख देते हैं। फिर थर्ड आपका आता है रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट आरएफसीडी। इसमें कौन होता है, जो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट होता है वो यूज कर सकता है। ठीक है, और इसमें आप क्या कर सकते हो, जो आपके अनयूज ट्रेवलर चेक्स हैं, करेंसी नोट्स हैं, ठीक है, जो आप मतलब किसी अदर कंट्री के टाइम पे यूज कर रहे हो, तो वो सब आरएफसीडी के अंदर आता है, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। लास्ट जो आपका अकाउंट है वो दे रखा है डायमंड डॉलर अकाउंट। देखिए ये भी आपको पता है कि जो डायमंड के एक्सपोर्टर्स होते हैं वही उनके लिए होता है, नेम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद उनका 2 साल का आपका स्टेटमेंट होना चाहिए, आईटीआर जो भी है आपका, तो वो सब रहता है। ठीक है, इसके बाद आपका 100% ऑफ रियलाइजेशन रहता है। ठीक है, कि कितना आपका जो डीडी अकाउंट में उसका 100% रियलाइजेशन करके रहते हैं। और इनको ना रॉ मटेरियल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मतलब अगर आप जो मतलब कर रहे हो तो इनका एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, अब रॉ मटेरियल आया, फिर प्रोसेस करने के लिए ये चीज़ लाई, तो ये क्या करते हैं डायमंड डॉलर अकाउंट खोल लेते हैं, और उससे इनका जो फंड, बड़े अमाउंट का फंड होता है उसके लिए वेट नहीं करना पड़ता है। ये बहुत ईजी वे में अपना ट्रांसफर आउट ट्रांसफर इन सब कर लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, डायमंड डॉलर अकाउंट होते हैं। तो हमने भी जो कौन पढ़े फॉरन करेंसी अकाउंट होते हैं वो आपके 3 होते हैं, इन एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट एंड डायमंड डॉलर अकाउंट। ठीक है, इसी के साथ मैं पार्ट बी जो है वो फिनिश कर रही हूँ, मैं पार्ट सी का जल्दी आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।